सो AK विद्या चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इट्स ओनली अ गेम इन्जॉय बाय तरुणजय तेजपाल जी। सो बेसिकली चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल टेंशंस क्रिकेट को प्रभावित करते हैं। जब राजनीतिक संबंध खराब होते हैं तो किस तरीके से क्रिकेट में भी वही इफेक्ट डालते हैं। और तरुणजय तेजपाल जी का कहना है कि किस तरीके से लोग जो हैं क्रिकेट को धर्म से जोड़कर देखते हैं। तरुणजय तेजपाल जी यही अपील करते हैं लोगों से कि क्रिकेट एक फन गेम है और इसको देखकर एंजॉय करें, इस गेम का और कोई मतलब ना निकालें। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसको याद करें। ये कुछ और वर्ड मीनिंग्स है इसी चैप्टर से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आप इस वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग्स चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ जो डेट्स लिखी हुई इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और काफ़ी मैंने घटनाक्रम के अनुसार लिखी हुई ताकि आपको वो समझने में दिक्कत ना हो। तो शुरुआत करते हैं। 1951 और 52 में पाकिस्तान टूर इंडिया फॉर टेस्ट मैच, तो पाकिस्तान गया था इंडिया मैच टेस्ट मैच खेलने के लिए। फिर 1954 और 55 में इंडिया गया था पाकिस्तान में। 65 और 71 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, जिसके चलते 77-62 में क्रिकेट नहीं खेला गया था। फिर 17 साल के बाद 1978 और 79 में फिर से संबंध पाकिस्तान और इंडिया के बीच संबंध थोड़े सुधार आए थे, रिज्यूम हो गए थे फिर से। क्रिकेट जो संबंध थे उनके बीच में वो फिर से सुधार हो गए थे 17 साल के बाद में। इसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ ताकि मेन पॉइंट पे हम जल्दी जल्दी आते हैं। सो 1978 में सैटेलाइट टेलीविज़न ब्रॉड क्रिकेट इनटू द ड्राइंग रूम्स एंड द शिफ्ट फ्रॉम 5-डे मैचेस टू 1-डे मैचेस आल्सो इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन द गेम। तो 1978 में सैटेलाइट की वजह से ड्राइंग रूम में भी क्रिकेट जो है प्रसारित होने लगे थे और जो 5-डे मैचेस होते थे वो 1-डे मैचेस में कन्वर्ट हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे, जिसके चलते क्रिकेट गेम में काफ़ी इंटरेस्ट जगने लगा था लोगों में। तो लोग जो हैं क्रिकेट गेम में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। फिर 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, जिसकी वजह से बिहेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंडिया विड्रॉ फ्रॉम द एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप। बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो उस समय उमा भारती थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आज्ञा पर, एंड इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के हस्तक्षेप पर इंडिया एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप से निकल गए थे। सो 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था, जिसके चलते जो इंडिया का जो टूर था पाकिस्तान में 2009 में वो कैंसिल हो गया था। 2011 में सेमीफाइनल वर्ल्ड कप हुआ था, जिसने यानी लोगों को 150 मिलियन व्यूअर्स उस मैच को देखा था, यानी वर्ल्ड कप मैच को देखा था 150 मिलियन व्यूअर्स। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट जगा था 2011 के सेमीफाइनल वर्ल्ड कप को देखने के लिए। सो 2012 दिसंबर में पाकिस्तान इंडिया आया था 3 1-डे इंटरनेशनल और 2 T20 मैचेस इंडिया में, यानी इंडिया में खेलने के लिए ये मैचेस आए थे पाकिस्तान। 15 फरवरी 2015 को वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑस्ट्रेलिया के एडलेस शहर में, जिसमें 5,000 टिकट 12 मिनट में बेचे गए थे। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिकेट को लेकर के दिलचस्पी काफ़ी बढ़ने लगी थी लोगों में और लोग काफ़ी पसंद करने लगे थे क्रिकेट। अकॉर्डिंग टू तरुण तेजपाल, स्पोर्ट्स आर मीन प्रीमियरली टू अम्यूज अस, अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट कैन बी इंजॉयबल एज इट इज़ एन opportunity for players to display their physical abilities such as speed, skill and strength. तरुण तेजपाल के अनुसार जो है स्पोर्ट्स आर मीन्ट प्रीमियरली टू अम्यूज, स्पोर्ट्स का सब मुख्य काम होता है हमें एंटरटेन करना, अम्यूज़ करना। अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट एक अच्छा गेम हो सकता है, इंजॉयबल हो सकता है, एज इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर, और एक अपॉर्चुनिटी होती है प्लेयर के लिए हो सकती है जहाँ पर लोग फिजिकल एबिलिटी दिखा सकते हैं, सच एज जैसे कि स्पीड, स्किल एंड स्ट्रेंथ, जैसे कि स्पीड, स्किल और स्ट्रेंथ के रूप में फिजिकल एबिलिटीज प्लेयर्स दिखा सकते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी है ये गेम। तो तरुण तेजपाल जी का कहना है कि क्रिकेट एक अच्छा गेम है जहां पर लोग इंजॉय कर सकते हैं और एक प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी प्रदान करा सकता है, यानी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर वे अपनी शारीरिक क्षमताएँ दिखा सकते हैं। तो तरुण तेजपाल जी का गेम के बारे में कुछ इस प्रकार कहना है। मेटाफोर फॉर लाइफ, मेटाफोर एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है।
इन अ गुड गेम, एक अच्छे गेम में द साइड दैट हैज ग्रेटर टैलेंट, एक अच्छे गेम में वो साइड जहाँ महान टैलेंट होता है एंड हार्डवर्क होता है ऑन इट्स साइड यूजुअली विंस, सिर्फ वही साइड ही हमेशा जीतती है। स्पोर्ट्स लवर्स वुड लाइक टू बिलीव दैट इन रियल लाइफ टू, स्पोर्ट्स लवर्स भी इस बात पर विश्वास करना चाहेंगे कि असल जिंदगी में भी हार्डवर्क एंड कैपेबिलिटी आर रिवॉर्डेड विद विक्ट्री। हार्डवर्क और कैपेबिलिटी से ही जीत हो सकती है, यानी कि जीत का इनाम मिल सकता है उनको। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे व्यू स्पोर्ट्स एज अ मेटाफोर फॉर लाइफ, इसी वजह से वो स्पोर्ट्स देखते हैं अपनी असल जिंदगी के रूप में, वो अपने उस स्पोर्ट्स को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छे गेम में, कोई भी अच्छा गेम हो, वहाँ पर जिसके पर टैलेंट है, जो हार्डवर्क करता है, सिर्फ वही जीतता है। और जो स्पोर्ट्स लवर्स जो होते हैं वो इस बात पर एग्री करते हैं, इस बात पर विश्वास रखते हैं कि असल ज़िंदगी में भी उनको जीत इसी तरीके से मिलती है, जो हार्डवर्क करता है, जिसके पास एबिलिटी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वही जीत का इनाम ले सकते हैं, जीत का इनाम उसे मिल सकता है। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के एक रूप में, यानी अपना असल ज़िंदगी से कनेक्ट करते हैं उस गेम को देख करके। अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू सी टैलेंट एंड स्किल ऑन द फील्ड। इट प्रोवाइड्स व्यूअर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू एस्केप रियल लाइफ एंड एक्सपीरियंस फन एंड एक्साइटमेंट। इसमें तेजपाल जी का कहना है कि क्रिकेट एक अच्छा गेम है, एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जहां पर लोग टैलेंट और स्किल को देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स व्यूअर्स विद अपॉर्चुनिटी टू एस्केप रियल लाइफ, और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करवाता है व्यूअर्स को, जहां से वो अपने असल ज़िंदगी से बाहर निकलकर एंड एक्सपीरियंस फन एंड एक्साइटमेंट, और एक्सपीरियंस कर सकते हैं फन और एक्साइटमेंट को अनुभव कर सकते हैं। तो तेजपाल जी का कहना है कि क्रिकेट एक अच्छा गेम है, जहां पर लोग टैलेंट और स्किल देख सकते हैं, और ये साथ ही एक अवसर भी प्रदान करवाता है जहां से वो असल ज़िंदगी से बाहर निकलकर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा फ़न ले सकते हैं उस क्रिकेट को देख करके। सो मोस्ट ऑफ पीपल अटैच डीप इमोशंस एंड न्यूमरस मीनिंग्स टू गेम्स। कई लोग काफ़ी अटैच हो जाते हैं गेम को लेकर के, और कई मतलब निकालते हैं गेम को लेकर के। गेम्स प्रोवाइडर्स अ कंट्रोल सेटिंग विद रूल्स एंड बाउंड्रीज। गेम्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं एक कंट्रोल व्यवस्था, जहाँ पर रूल्स और बाउंड्रीज होती हैं, वेयर जहाँ देयर इज इमीडिएट आउटकम्स, जहाँ इमीडिएट आउटकम्स होते हैं, जहाँ पर इमीडिएट परिणाम निकल के आते हैं। इट शोज अस लॉज ऑफ गुड एंड बैड, और वो हमें अच्छे और बुरे के नियम जो हैं दिखाते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अच्छे और बुरे के नियम का मतलब है रिवॉर्ड देते हैं या हमें पनिश करते हैं। कहने का मतलब ये है, जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास क्षमता है और जिसके पास स्किल है, वही रिवॉर्ड पा सकता है उस गेम को लेकर, उस गेम में वही विनर होता है। और जिसके पास नहीं है, वो गेम से बाहर भी हो जाता है, जिसको हम पनिशमेंट भी कहते हैं। तो यही जो चीज़ है वो असल ज़िंदगी में भी लागू होती है। जो हार्डवर्क करता है, जिसके पास स्किल है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वही जीवन में सक्सेस होता है। जिसके पास ये सब नहीं है, वो अनसक्सेसफुल होता है। तो यही तेजपाल जी का कहना है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली फाउंड इन रियल लाइफ। यही कुछ है जो असल ज़िंदगी में भी देखे जा सकते हैं या ढूंढे जा सकते हैं। तो तेजपाल जी का इसमें यही कहना है कि असल ज़िंदगी में भी एक व्यवस्था है, जहाँ पर रूल्स एंड बाउंड्रीज होती हैं, जो रियल लाइफ में जो रूल्स एंड बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ पर अच्छे और बुरे के नियम तो होते ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है, जो सक्सेसफुल होता है, वो जिनके पास स्किल और जिसके पास एबिलिटी कैपेबिलिटी और जो ज़्यादा उसमें हार्डवर्क करता है, उन्हीं को रिवॉर्ड मिलता है, अदरवाइज उनको पनिशमेंट के रूप में वो अनसक्सेसफुल होता है। तो अब हम जिसमें जानेंगे कि गेम के दो फंक्शन क्या हैं, जो तेजपाल जी हमें बताना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू तेजपाल जी के अनुसार, द टू मेन फंक्शंस ऑफ अ गेम आर, दो मेन फंक्शंस हैं गेम के, वो हैं अम्यूजमेंट एंड कथारसिस। सो अम्यूजमेंट एंड कथारसिस क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। ही बिलीव्स दैट गेम्स प्रोवाइड अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय आवर सेल्स। वो विश्वास करते हैं कि गेम्स प्रोवाइडर्स, गेम हमें प्रोवाइड करवाता है एक अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हम खुद को एंजॉय करा सकते हैं, यानी हम खुद एंजॉय हो सकते हैं उस गेम को देख करके। अनदर फंक्शन दैट गेम परफॉर्म इज टू प्रोवाइड पीपल विद अ सेफ आउटलेट फॉर अग्रेशन, दैट इज़ अ न्यू नॉर्मल पार्ट ऑफ मेंस फिजियोलॉजी।
और जो दूसरा फंक्शन इस गेम का वो ये है कि लोगों को एक सेफ आउटलेट प्रदान करवाता है जहाँ पर लोग एग्रेशन निकाल सकते हैं। और एग्रेशन होता है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ होता है किसी इंसान के, यानी किसी मेन फिजियोलॉजी का एक नॉर्मल पार्ट होता है। तो इसमें बताया गया है, जैन तेजपाल जी कहना चाह रहे हैं वो ये है कि गेम के दो फंक्शन है, अम्यूजमेंट है और कथारसिस है। अम्यूजमेंट में जहां लोग खुद को आनंदित महसूस करा सकते हैं गेम को देख करके, गेम अपॉर्चुनिटी प्रदान कराता है अम्यूजमेंट में और जिसमें हम खुद को इंजॉय कर सकते हैं गेम को देख करके। और दूसरी चीज़ है, दूसरा फंक्शन है वो है कथारसिस। कथारसिस में जो है सेफ आउटलेट प्रदान करवाता है गेम, जहाँ पर हम अगर अपना एग्रेशन जो है वो दिखा सकते हैं, अपना एग्रेशन शो कर सकते हैं। एग्रेशन एक मेन फिजियोलॉजी का एक पार्ट होता है, नॉर्मल पार्ट होता है। तो जो कथारसिस है वो भी और अम्यूजमेंट, ये दो फंक्शंस हैं गेम के। इज जस्ट अ गेम, ये देखते हैं कि तेजपाल जी इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजपाल अपील्स टू द पब्लिक, फैंस, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, कमेंटेटर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स नॉट टू गेट टू एक्साइटेड ड्यूरिंग एन इंडिया एंड पाकिस्तान मैच। तो तेजपाल अपील करते हैं पब्लिक को, फैंस को, जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियंस को कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है उनमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। नीदर टीम शुड बी मेड टू फील दैट दे हैव बिट्रेड नेशनल प्राइड इफ दे लूज, और ना ही टीम को ये फील कराने की ज़रूरत है कि वो अपने देश को धोखा दे रहे हैं, अपने देश के प्राइड को नीचे गिरा रहे हैं अगर वो किसी गेम को हारते हैं। तो तेजपाल जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को अपील कर रहे हैं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उस दौरान ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टीम को फील कराने की ज़रूरत है कि अगर वो टीम हार रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने देश को धोखा दे रहे हैं या वो अपने देश के प्राइड को गिरा रहे हैं। तो तेजपाल जी इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इज जस्ट अ गेम, सिर्फ गेम को ही इंजॉय करें, इससे ज़्यादा इस गेम को कुछ ना समझें। गेम इज़ फन, गेम फन है ओनली इफ इट रिमेंस अ गेम, गेम एक फन है जब तक वो एक गेम रहे, तेजपाल जी का ये कहना है। वी मस्ट नॉट मेक इट एनीथिंग मोर, हमें इसे और कुछ बनाना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ बनाना नहीं चाहिए। तो तेजपाल जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इज जस्ट अ गेम, ये सिर्फ गेम है, इसको गेम की तरह ही इंजॉय करें, ना ही इससे ज़्यादा उसे कुछ बनाएं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि आपको किस चीज़ में कमी लगी है, फिर मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड है।